फ्रेंड्स नमस्कार। आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक छोटे से बच्चे से जो खूंखार पिटबुल के अटैक से बच गया, पिटबुल सर्वाइवर से। उसको दो हफ्ते पहले पिटबुल ने अटैक करा था, हालांकि उसकी सजगता के कारण पिटबुल उसको ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी उसके हाथों के ऊपर काफ़ी अटैक हुआ और चोटों के निशान है, इंजेक्शन वगैरह लगे काफ़ी उसको। तो मैं आपको मिलाने वाला हूँ उससे। ये हैं मिलियन से, ये है रौनक यादव। तो देखिए, पहले मैं आपको इनकी कंडीशन दिखा देता हूँ। ये अभी दो हफ्ते बाद के अटैक के हैं, अभी भी उनके जख्म है। ये पंजे का निशान है उसका, पिटबुल का पूरे नील है। ये नील है, यहाँ पे एक बहुत गहरी पूरा मांस आया था बाहर। ये देखिए, ये अभी थोड़ा थोड़ा खुरन उतर चुका है यहाँ पे ना, ये देखिए। और ये देखिए पूरा हाथ के अंदर, पूरा सारा हाथ अटैक से भरा हुआ है। यहाँ पे भी लगी है पूरी उंगली, ये पूरा हाथ में अभी भी आप सुन हो गई है। और नील देख सकते हो अभी थोड़ा थोड़ा रह रहा है, हालांकि मैं वो वीडियो अटैच कर दूंगा आपके पास। ये देखिए, इस हाथ में भी, राइट हैंड पे भी अटैक कर रहा है। दांत इसने जो बताया, दांत गड़ चुके थे इसमें, कुत्ते बचाव जब बचा रहा था तो कुत्ते के दांत इसके अंदर घुस गए थे। तो जो एक हफ्ते पुरानी वीडियो है, मैं वो आपको इसके इस वीडियो के साथ बाद में अटैच कर दूंगा, क्योंकि जब उसके पास अटैक हुआ था उस टाइम की हमारे पास ना तो कोई वीडियो है ना फोटो है जो मैं अटैच कर सकता हूँ, लेकिन जो एक हफ्ते पुरानी वीडियो वो मैं ज़रूर आपके साथ अटैच करूँगा। तो अब मैं रौनक से पूछता हूँ कि क्या हुआ था उस दिन। रौनक बेटा बताओ, सब बताओ, उस दिन क्या हुआ था आपके साथ। मैं पतंग उड़ाने गया था ऊपर छत पे, तभी वो जो पिटबुल था एकदम से कूद के आ गया। कूद के आया, उसने पहले मेरे फेस पे अटैक किया, फेस पे तो मैंने उसे धक्का दे दिया। तब उसने मेरे लेफ्ट हैंड में अटैक किया, फिर लेफ्ट हैंड को मैंने साइड करके राइट वाले हैंड से मारा। उसने इसमें बिगाड़ दिए हाथ पैर, उसने बहुत मारा उसने, और मुश्किल से मैंने उसे बहुत धक्का दिया। बहुत धक्के देने के बाद उस जिनका पैथों ने आवाज़ आ गई, तब वो बहुत मुश्किल से गया, वरना वो छोड़ता ही नहीं बिल्कुल। ओके, तो अभी तक आपको कितनी वैक्सीनेशन लग चुकी है। अभी जिस दिन मेरे साथ अटैक हुआ था उस दिन मैं आरएमएल हॉस्पिटल गया था, वहाँ पे पहले तो उन्होंने 4 टेस्ट डोज लगाई, उसके बाद मुझे हर एक घाव पे एक इंजेक्शन लगाया। टोटल 25 लगे मुझे। 25 इंजेक्शन लगे टोटल आपको? यस। कहाँ कहाँ लगे? हर एक चोट पे। इसका मतलब अगर 25 चोट लगी थी उस टाइम पे, घाव थे जो, 25 इंजेक्शन लगे उस टाइम पे अटैक वाले दिन। और उसके साथ पहले 4 भी लगे थे, उसके बाद और 4 लगे। अच्छे, तो मतलब आप देखिए फ्रेंड्स कि कितने कितने इसके इंजेक्शन लग चुके हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने 4 और डोजेज का बताया था कि इतने टाइम पे लगी, 3 डोजेज लग चुके हैं। हाँ, वो कोर्स होगा ना पूरा टोटल। अभी फिर चौथी डोज अभी लगेगी 16। ओके, तो आप क्या कहना चाहोगे जिनके घर पे ऐसे कुत्ते होते हैं पिटबुल वगैरह? आपके पास अगर एक है तो प्लीज़ उन्हें बांध के रखें, सबसे दूर रखें, और अगर आपसे नहीं होते तो प्लीज़ पेट केयर सेंटर से या कहीं भेज दें, मत रखें अपने पास, बहुत डेंजरस। तो इस छोटे से बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही, अगर आप कुत्ते नहीं संभाल सकते इस तरह के पिटबुल वगैरह, तो या तो उनको चेन से बांध के रखें कमरे में रखें, और अगर नहीं रख सकते आपके पास खुला ग्राउंड नहीं है तो उनको डॉग केयर सेंटर पर रख दें अगर आप नहीं कर सकते तो। इसी के साथ आपसे अलविदा करता हूँ, और आशा करता हूँ ये वीडियो उन बच्चों के काम आएगी जो। तो देखो भाई, ये पिटबुल ने इसको खा लिया था अभी 3-4 दिन पहले। देखो नील पड़ गया हाथ में। अब बताइए उन्होंने कहाँ का काटा है? एक तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कर दिया था पूरा, वो अच्छा आ रहा था बाहर, यहाँ पे उसने पंजा वगैरह मारा, यहाँ भी दांत काटा है, और यहाँ भी, फिर यहाँ पे उसने कर रखा है दो जगह भी, फिर यहाँ पे भी मार रखा है। अच्छा, और दूसरा हाथ दिखाओ। दूसरे हाथ में अब थोड़ा ठीक हो रहा है, अच्छा। बहुत पहले दर्द होता था। और कुछ घुमा, ये देख यहाँ भी खरोचे मारती, खरोचे पूरे हाथ, दोनों हाथों पे थी, अब कम हो गई। दोनों हाथों पे पूरी खरोचे थी, अब थोड़ी कम होगी। यहाँ पे 6-6 नील आ रहे हैं, यहाँ पे भी नील आ गया है, 6-6 नील। इधर पंजे के निशान है, तो 5-5, 6-6 नील यहाँ भी आ रहे, चोट में हर जगह नील है। ठीक है।